नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी के थ्रू में मैंने आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं जो फाइल मैंने शेयर करता हूँ जिसका लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप लोग भी फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। ये पूरा फाइल मैंने दे देता हूँ, और क्या फाइल में क्या क्या रहता है और कैसे स्क्रीनिंग करता है वो आप लोग वीडियो देख लेंगे, देख लीजिए ज़रा। पिछला वाला वीडियो मैंने आप लोग देख लीजिए, उसको उसका परफॉर्मेंस मैंने दिखाऊंगा, मैं बाय सेल लेवल्स का दिखाऊंगा, और इनसाइड और बार्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विद NR7 जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाया उसको उसका परफॉर्मेंस कल का हिसाब से, और आज का जो मैंने लाइव मार्केट में फाइल शेयर किया था उसका कैसे परफॉर्मेंस रहा वो मैंने दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा, बाय सेल लेवल्स और इनसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का कौन सा सिनेरियो बना है उसका भी आप लोग को मिल जाएगा, और बहुत सारा स्ट्रेटजीज है जो आप लोग को स्ट्रेटजीज है चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को मार्केट से प्रॉफिट कमाने का बहुत आसान कर देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, कल मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया था तो उसके बाद मैंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया था शेयर करने के बाद, और आप लोग खुद भी स्क्रीनिंग कर ले सकता है, आप लोग खुद का पहले से जो स्टॉक्स आप लोग चुन के रख सकते हैं आप लोग को पसंद का स्टॉक्स, इसके अलावा मेरा रिकमेंडेशन को भी आप लोग देख सकता है। सोच लीजिए भारत पर JSW स्टील मैंने बाय सेल लेवल कम दिखाऊंगा, मैंने इनसाइड स्ट्रेटजी दिखाऊंगा। तो देखते हैं बाय सेल लेवल कम स्किनर में, देखिए भारत फर्ज मैंने दिखाता हूँ इधर, भारत फर्ज इधर देखिए, इधर वाई का एंट्री लेवल था, वाई का एंट्री लेवल था 491.66 और सेल का एंट्री लेवल था 493। तो देख लेते हैं एक बार इधर से चार्ट से एक बार देख लेता है दिया था। तो आप लोग को कुछ मैंने जो बाय सेल लेवल 4 जो शेयर करता हूँ उसका हिसाब से कैसा रहा देखता है, ये काल का हिसाब से, ये इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काल का हिसाब से और आज का हिसाब से भी कैसे काम किया वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इधर बाय सेल लेवल इधर में काल का देखने के लिए इधर देखना पड़ेगा, इधर देखिए एक फाइल कल में शेयर किया था और मैंने डाउनलोड किया, और इधर ये जो इंसर्जी है का आज का कुछ लेवल नहीं आया था ना, 2444.95 के ऊपर इसका बाई लेवल था, 2402 के नीचे सेल था। तो HDFC को देखते हैं 2444 के नीचे 602 के नीचे नहीं गया था, उसके बाद ये 2045 के ऊपर ये 2045 के ऊपर ये 2049 तक गया था, उसके बाद फिर और भी देखते हैं इधर, सोच लीजिए इसको नहीं आया था शायद, इस इधर देख लेना पड़ेगा एक बार और उस भी कुछ देखता है, मैंने ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा इसलिए जल्दी कर लेता हूँ। PBR देखता है एक बार, PBR को देखिए, PBR का जो डे वन का हिसाब से ये 837 इधर इसका आया था, तो 837 के ऊपर इसका बाय लेवल था 837 का बाय लेवल, 801 का सेल लेवल हाई लो, तो 835 के ऊपर जब इसका बाई लेवल था ये ऊपर गया था कितना, 800 ऊपर इधर देखिए, तो उसको एक बार देख लेते हैं 15 मिनट सबसे, ये देखिए सोच लीजिए कुछ भी पकड़ लेते हैं, इंडिगो को देख लेते हैं, इंडिगो एक बार इंडिगो का जो हाई लो था, इंडिगो का जो वो मैंने इधर व्हाट्सएप में कॉल दिया था, इंडिगो का जो था